नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां तीन अलग अलग सेगमेंट के जरिए लेकर आते हैं, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे बरसात के मौसम में बेल वाली सब्जियों की खेती के बारे में। इसके साथ ही मिलवाएंगे एक सफल किसान राजेंद्र रावल से और अंत में बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं एक विशेष रिपोर्ट के साथ। पौध संरक्षण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके माध्यम से देश भर में खेतों में खरपतवार से जुड़ी समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से क्या जानकारी दे रहे हैं पौध संरक्षण विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत सिंह। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये रहती है कि कहीं भी कोई ऐसा कीट का अटैक और किसी बीमारी ऐसी प्लांट्स पे ना फैले जिसके कारण हमारी फसल को नुकसान हो, किसानों को नुकसान हो। इसी तरह से खरपतवारों को नियंत्रण करना भी एक प्राथमिकता है। इन सब को अचीव करने के लिए हमारा प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज एक डायरेक्टोरेट है जिसके अंतर्गत हमारे 35 जो सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर्स हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में हैं, सभी राज्यों में एक है, कई राज्यों में एक से ज़्यादा भी सेंटर्स हैं। उनका मेन उद्देश्य किसानों को जानकारी देना, ट्रेनिंग देना, जिसमें फार्मर फील्ड स्कूल भी आते हैं। उनका इन ट्रेनिंग का मुख्य जो विषय रहता है ट्रेनिंग का, वो रहता है कि जो भी नए आने वाले जो एक्सपेक्टेड अटैक ऑफ पेस्ट है, कीट का अटैक है, जहाँ पौध रोग कोई हो रहा है, जहाँ खरपतवार की बहुत ही समस्या आ रही है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, हमारी खेती टिकाऊ बने, इसीलिए हमने एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की ऊपर किसानों को बहुत ही अपर स्तर पे सिखलाई दी जा रही है। इसके साथ ही हम बायो कंट्रोल एजेंट अपनी लैब्स में मल्टीप्लाई करके उनको किसानों को बांटते हैं। किसानों के खेतों पे जाके उसका डेमोंस्ट्रेशन की लगाई जाती हैं ताकि किसान उसको अपना सकें। और इसके दो फायदे हैं, एक तो हमारा जो केमिकल का यूज़, जो कीटनाशकों का दवाइयों की बरतों है, वो कम हो जाएगी और हमारा प्रोड्यूस अच्छा हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो अच्छी रहेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक और महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मंत्रालय की उपायुक्त कामना शर्मा ने क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। कृषि के दो मौसम होते हैं, खरीफ एवं रबी, उसमें किसानों को इसमें कवरेज दिया जाता है, बीमा का कवर दिया जाता है उन कंपनियों के द्वारा जो भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत इम्पैनल की गई हैं। चूँकि हम जुलाई में हैं, खरीफ का जो मौसम है वो बिल्कुल चरम पर है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब इस योजना के तहत किसानों का पंजीकरण किया जाता है। और पहले की ही भांति सभी किसानों के लिए ज़रूरी है कि इस समय वो पंजीकरण के लिए आगे आएं। ज़्यादातर प्रदेशों में कट ऑफ की जो तिथि है पंजीकरण के लिए वो 31 जुलाई है, तो इसके पहले ही किसान आएँ और जितने भी अधिसूचित फसलें हैं जो राज्यों ने अधिसूचित की हैं उनके तहत पंजीकरण कराएं। यहाँ मैं बता दूं, यह स्कीम साल दर साल से बहुत लोकप्रिय हुई है किसानों में। इससे हम ये देख सकते हैं कि इसी समय जुलाई में हमने 3 बार पिछले जो भी मौसम थे उनके आंकड़ों को पार किया है, नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अगर हम 16 जुलाई की पंजीकरण की स्थिति देखें, हमने रिकॉर्ड 24.5 लाख के ऊपर आवेदनों का पंजीकरण किया है अपने नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर। ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये भी देखा जाए कि किसानों में ये योजना जो है बहुत लोकप्रिय पाई जा रही है। लेकिन हम चाहते हैं और भी किसान जो अभी जिन्होंने ये कवर नहीं लिया है, बीमा कवर इस योजना में नहीं लिया है, वो आगे आएँ, अभी भी समय है। किसानों के लिए इसके लिए बहुत से माध्यम उपलब्ध हैं। जो ऋणी किसान हैं वो जिस बैंक से केसीसी लोन लेते हैं उनका प्रीमियम काटता है बैंक और उनका पंजीकरण बैंक द्वारा ही किया जाता है। अगर उन्होंने इस
योजना से ऑप्ट आउट नहीं किया है, किंतु जो गैर ऋणी किसान हैं जिनके पास जो केसीसी का साधन नहीं है वो भी सीधे बैंक जा सकते हैं, प्रीमियम की राशि जमा कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान सीधे बीमा कंपनी के पास भी जा सकते हैं, उनके जो इंटरमीडियरी होते हैं उनके पास जा सकते हैं पंजीकरण के लिए। इसके अलावा जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है जो हर एक गांव में उपलब्ध है, किसान वहां जा सकते हैं। कुछ इसमें दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है जो बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड दस्तावेज हैं, जिनको जो किसान की बैंक की पासबुक है सेविंग अकाउंट की और जो किसान के भूमि से संबंधित दस्तावेज हैं उनको लेके जाए, अपने आधार की कॉपी लेके जाए और वो वहां से भी पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। सब्जियां तीन तरह की होती है, खड़ी सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां और बेल वाली सब्जियां। बरसात के मौसम में बेल वाली सब्जियों की खेती मुख्य तौर पर की जाती है। आज विज्ञान और किसान में जानेंगे बेल वाली सब्जियों के बारे में। बेल वाली सब्जियों में खीरा, पेठा, ककड़ी, करेला, लौकी और तोरी की खेती बरसात के दौरान की जा सकती है। इनकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चुनाव करें ताकि ज्यादा बारिश होने पर पानी को बाहर निकाला जा सके। बेल वाली सब्जियों और बरसात के दौरान सीधे जमीन पर ना ले, ऐसा करने से उन पर दाग धब्बे लग जाएंगे और कई बार वो सड़ भी जाती है। बेहतर होगा कि खेत में बांस की मदद से मचान बना ले। इसके दो फायदे हैं, एक तो सब्जियां साफ सुथरी होंगी और दूसरे लटक कर खूब फलेंगी। बारिश के मौसम में जून के अंत से लेकर जुलाई माह तक कद्दू वर्गीय यानी बेल वाली सब्जियों की बुआई के लिए सबसे अच्छा होता है। खेत में लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना ले। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दे, जब बुआई के लायक नमी हो जाए तो मिट्टी भुरभुरी करके बीज बो ले। करेला बोने के लिए बीज को 12 से 20 घंटे तक भिगोए और 1.7 फुट चौड़ी नाली के दोनों तरफ 1 से 1.7 फुट दूरी पर बुआई करें। नालियों के बीच दूरी 6 फुट रखनी है। 10 टन देसी खाद, आधा बोरी यूरिया, 1.7 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट और आधा बोरी म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी जुताई के समय डालें। चिकनी तोरी के लिए आप पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, काशी दिव्या और पूसा सुप्रिया का चुनाव कर सकते हैं, जबकि धारीदार तोरी के लिए पूसा नूतन, अर्का सुजात, सतपुतिया, अर्का सुमित और पूसा नजदार बेहतर किस्में हैं। तोरी की बीज दर 5 से 5.5 किलो प्रति हेक्टेयर रहेगी। चिकनी और धारीदार दोनों तरह की तोरी के लिए कतार से कतार की दूरी 2.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खीरे की बेहतर पैदावार के लिए जापानी लंबी ग्रीन, स्ट्रेट एट, पूसा उदय, पूसा बरखा, पॉइंट सेट और पूसा संयोग उगा सकते हैं। बीज दर 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर रहेगी। कतार से कतार का फासला 1.5 मीटर, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। लौकी में आप पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, पूसा हाइब्रिड 3, काशी गंगा और अर्का बहार का चुनाव कर सकते हैं। बीज दर 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर रखनी है। कतार से कतार की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी करीब 0.5 मीटर रहेगी। पूसा पसंद, पूसा अलंकार, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन और पैटी पैन चप्पन कद्दू की उन्नतशील किस्में है। चप्पन कद्दू की बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर रहेगी। अगर आपका इरादा पेठा बोने का है तो पूसा श्रेयाली, पूसा उर्मी, पूसा उज्जवल, काशी धवल, काशी उज्जवल और काशी सुरभि की बुआई कर सकते हैं। बीज दर 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर रहेगी। कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा उपज के लिए शुरुआती अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण जरूरी है। ये खरपतवार फसलों में 4 से 6 सप्ताह तक ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार फसल से पोषक तत्व, रोशनी और पानी को लेकर प्रतियोगिता करते हैं, जिससे फसल को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। इसके अलावा ये अलग अलग तरह के हानिकारक कीट और बीमारियों का भी कारण बनते हैं। एक अनुमान के मुताबिक खरपतवार के कारण उपज में 20 से 80% तक की कमी हो सकती है। पहली 2 सिंचाई करने के बाद हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाला जा सकता है।
कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के 25 से 30 दिन बाद पौधों की अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है। इस समय 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए और अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते कृषि के क्षेत्र में खास मुकाम हासिल किया। इन्हीं में से एक है हरियाणा के रहने वाले राजेंद्र रावल। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। राजेंद्र रावल हरियाणा के एक छोटे से गांव छाजपुर खुर्द के निवासी हैं। इनके गांव के अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं।
राजेंद्र रावल का जीवन भी खेतीबाड़ी के बीच ही बीता। इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से ही की। वे पढ़ाई के साथ साथ खेतों में पिता का हाथ भी बटाते थे। साथ ही वे भैंसों की देखभाल, चारा खिलाने और दूध निकालने में अपने पिता की मदद करते थे। पिता के देहांत हो जाने के बाद राजेंद्र रावल ने खेती को संभाला। खेती में पूरी तरह से आने के बाद इन्होंने पाया कि उनके गांव के ज्यादातर किसान परंपरागत ढंग से खेती करते हैं और वहां के किसान आधुनिक तकनीकों के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन इसके विपरीत राजेंद्र नई तकनीकों को अपनाकर खेती करना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। वे दूसरे किसानों को भी नई तकनीकों को अपनाकर खेती करने के लिए प्रेरित करते थे। जीवन के इस मोड़ पर उनकी मुलाकात एक कृषि विकास अधिकारी से हुई, जिनसे उन्हें खेती में उपयोग की जा रही नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। राजेंद्र रावल ने अपने खेतों में शून्य जुताई की तकनीक को अपनाया, जिसे अपनाकर उन्हें काफी फायदा हुआ। अपने गांव में इस तकनीक को अपनाने वाले वे पहले किसान थे। इस सफलता ने उनके हौसलों को और भी बढ़ा दिया। राजेंद्र रावल ने अपने खेतों में लेजर लेवलिंग कराई, साथ ही वे अपने खेतों में हरी खाद का प्रयोग करने लगे। खेतों में रोपाई के लिए इन्होंने चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले आधुनिक मशीन को अपनाकर अपने खेतों में उपयोग किया। साल 1999 में राजेंद्र रावल ने कृषि विज्ञान केंद्र से वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ से खाद बनाने का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही फार्म पर केचुआ खाद बनाना शुरू किया। वे अपने खेतों में अच्छी उपज के लिए केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अपने फार्म में बने खाद को बेचकर राजेंद्र अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। वे अपने खेतों में जरूरत पड़ने पर ही दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। नई तकनीक अपनाने के अलावे इन्होंने अपने खेत में धान की सीधी बिजाई, भूमिगत जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन को भी अपनाया है। राजेंद्र ने संसाधनों के संरक्षण की तकनीकों का भी अपने क्षेत्र में पहली बार प्रयोग किया। जाहिर है इन प्रयोगों ने उनके सफलता के द्वार खोले और स्थानीय किसानों के बीच उनकी छवि एक प्रगतिशील किसान की बनती चली गई। मिट्टी जांच कराने के बाद ही वे अपने खेतों में खाद डालते हैं। खेती में अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए वे लगातार कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं। राजेंद्र रावल ने विभिन्न एजेंसियों के जरिए अपने खेतों में अनेक गतिविधियां आयोजित करवाई ताकि इस्तेमाल की जा रही तकनीकों का आकलन किया जा सके और उन्हें जितना संभव हो सके बेहतर बनाया जा सके। तकनीक के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका सराहनीय है। राजेंद्र सिंह रावल ने तकनीक के इस्तेमाल को अपने तक सीमित नहीं रखा बल्कि अन्य किसानों को भी इससे वाकिफ करवाया। देखते ही देखते राजेंद्र सिंह रावल किसानों के मार्गदर्शक बन गए। वर्तमान में राजेंद्र और उनके गांव के किसान कई फसलों के साथ में खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ाने में राजेंद्र सिंह रावल के प्रयासों को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सम्मान राशि, 2,000 रूपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में
158,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। ઇસ યોજના સે મિલે લાભ તથા આવેદન કી સ્થિતિ દેખને કે લિયે PM કિસાન પોર્ટલ લોન્ચ કિયા ગયા હૈ। ઇસ પોર્ટલ કે માધ્યમ સે પાત્ર કિસાન અપના પંજીકરણ સ્વયં કરને કે સાથ સાથ અબ તક મિલે લાભ ઓર અપને આવેદન કી સ્થિતિ ફાર્મર્સ કોર્નર સે દેખ સકતે હૈ। ઇસ યોજના કા લાભ પાત્ર કિસાનો કો હી મિલ સકે इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। रासायनिक खेती के कारण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को जिस तरह से नुकसान हो रहा है, इसे देखते हुए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि जो मिट्टी की सेहत है वो बरकरार रहे, उसकी उर्वरता बनी रहे और इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है, साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉयल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90-95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85-90% किसान इस योजना का हिस्सा है। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8-10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए
प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में एक हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो जानकारियां दी गई, हमें उम्मीद है कि वो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। इस कार्यक्रम को अगर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं या फिर अपने सुझाव ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।